শিল প্রভুপাদ ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু খুদ উনকে বারে মে প্রেডিকশন করকে গে থে কি মেরা এক সেনাপতি ভক্ত আয়েগা আর মেরা হি নাম কো পুরা দুনিয়া মে ফেলায়েগা আর ও সেনাপতি ভক্ত और कोई नहीं है, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी हैं। तो प्रभुपाद के बारे में और भी जगह पे प्रेडिक्शन दिया था, जैसे ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्रील प्रभुपाद के बारे में प्रेडिक्शन है। भगवान कृष्ण जब गंगा माता से जब उनका बातचीत चल रहा था कि कैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, तो उस दौरान ये वर्णन आता है कि भगवान का भक्त पूरा दुनिया में भगवान का भक्ति प्रचार होगा, प्रसार होगा। और स्पेशल पर्सनालिटी ये भगवान का जो भक्ति है, ये भारत से पाश्चात्य देश में, विदेश में लेके जाएगा। और भगवान कृष्ण माँ गंगा को ये भी बता रहा है कि जब कलयुग का पापी व्यक्ति जब गंगा में स्नान करेगा, तो उनका पाप सब गंगा में चला जाएगा। क्योंकि गंगा में ये अद्भुत शक्ति है कि हरेक का पाप को धोने का, हरेक का पाप को अपने अंदर समा लेने का शक्ति है माँ गंगा के पास। तो कलयुग के लोग जब नहाएंगे गंगा में, तो सबका पाप गंगा में भर जाएगा। लेकिन भगवान कृष्ण एक चीज बताए कि जब भक्त लोग उनका नाम लेके, हरे कृष्ण महामंत्र लेके, वही भक्त लोग जब गंगा में नहाने आएगा, तब भक्तों का पैर का स्पर्श से सभी पाप गंगा में, जितना भी लोग पाप को डंप किया है, सब पाप फिर वो बोझ, गंगा देवी का वो बोझ हल्का हो जाएगा, वो पाप चला जाएगा। तो ये पुराणों में भी श्रील प्रभुपाद का उल्लेख है और भगवान चैतन्य महाप्रभु खुद ये बोल के कहे कि उनका सेनापति भक्त आएगा और ये भगवान का नाम पाश्चात्य देश में, पूरा दुनिया भर में प्रचार करेगा, लेके जाएगा। तो श्रील प्रभुपाद जी से एक बार एक जन प्रश्न पूछा था कि What is it like to be with Krishna? उनके एक वेस्टर्न डिसाइपल्स, उनके वेस्टर्न शिष्य, पाश्चात्य देश के एक शिष्य उनसे पूछा कि भगवान के साथ रहना कैसा लगता है। श्रील प्रभुपाद बोले, इट्स इनकॉन्सीवेबल। जब भगवान के पास आप पहुंचेंगे, तभी आपको समझ में आएगा भगवान श्री कृष्ण के साथ रहना कैसा लगता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। श्रील प्रभुपाद हम लोग को भगवान के पास लेके जाने के लिए ही आए हैं। भगवान ने ही उनको भेजा है हम लोग को वापस गोलोक वृंदावन धाम में लेके जाने के लिए। तो एक दिन श्रील प्रभुपाद एक रूम में बैठे हुए थे, तो कुछ डिसाइपल्स लोग, कुछ शिष्य लोग उनके आसपास था। तो श्रील प्रभुपाद सडनली बोला कि मैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में था भगवान के साथ, लेकिन कृष्ण आके एक दिन मेरे को बोला कि तुम मेटेरियल वर्ल्ड में जाओ, तुम मेटेरियल वर्ल्ड में मेरा निर्देश
मेरा निर्देश को फॉलो करते हुए तुम मेटेरियल वर्ल्ड में जाओ। तो श्रील प्रभुपाद बोला कि तब मैं कृष्ण को पूछा था, मेटेरियल वर्ल्ड बहुत ही खराब जगह है, गंदा जगह है, नेस्टी प्लेस, तो वहां पे मैं नहीं जाना चाहता। तो कृष्ण उनको बोला कि तुम जाओ, तुम्हारा सब अरेंजमेंट मैं कर दूंगा वहां के जाने के बाद, और तुम वहां पे जाके सिर्फ मेरा जो ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता श्रीमद् भागवतम का ट्रांसलेशन करना, बस तुमको यही करना है उधर जाके, और मैं सब अरेंजमेंट कर दूंगा तुम्हारे लिए। श्रील प्रभुपाद इस मेटेरियल वर्ल्ड के कोई व्यक्ति नहीं है, श्रील प्रभुपाद स्पिरिचुअल वर्ल्ड के व्यक्ति है, और सभी हम लोग के आचार्य, चाहे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हो, चाहे भक्ति विनोद ठाकुर हो, दे आर ऑल कमिंग फ्रॉम द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, दे आर इटर्नल सर्वेंट्स ऑफ कृष्णा इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, भगवान के नित्य पार्षद है सभी आचार्य लोग। तो भगवान इन महान आत्माओं को, इन महान व्यक्तियों को भेजता है ताकि हम लोग भगवान का भक्ति कैसे करना होगा वो हम लोग समझ पाएंगे इनका लाइफ से। तो श्रील प्रभुपाद इज, श्रील प्रभुपाद उनके स्पिरिचुअल मास्टर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बारे में बोलते थे कि ही इज अ वैकुंठ मैन, सो दे आर कमिंग फ्रॉम स्पिरिचुअल वर्ल्ड, वैकुंठ गोलोक वृंदावन। सो तो श्रील प्रभुपाद में एक चीज था, कोई भी चीज श्रील प्रभुपाद अगर बोलता तो उसको अपना जीवन में जब तक पालन नहीं कर रहा है अपना जीवन में, वो किसी को भी वो इंस्ट्रक्शन नहीं देता। कोई भी इंस्ट्रक्शन श्रील प्रभुपाद किसी को भी देता तो पहले वो अपने जिंदगी में वो इंस्ट्रक्शन को पालन करके दिखाता और उसके बाद वो इंस्ट्रक्शन किसी को देते। तो ये है आचार्य, ये आचार्य का लक्षण। आचार्य मतलब जो खुद आचार करके दूसरे को शिक्षा देता है। श्रील प्रभुपाद हर एक एक्टिविटी जो भी इंस्ट्रक्शन दिए वो खुद का जीवन में पालन किए, बिना उसको प्रैक्टिस किए वो इंस्ट्रक्शन किसी को इंस्ट्रक्शन नहीं दिए। दिस इज आचार्य। श्रील प्रभुपाद एक बार क्या हुआ था कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में श्रील प्रभुपाद गया था उनके शिष्यों के साथ लेक्चर देने। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जब पहुंचा तो श्रील प्रभुपाद बहुत अच्छा वहां पे लेक्चर दिया। तो लेक्चर होने के बाद, लेक्चर कंप्लीट होने के बाद, कुछ कुछ स्टूडेंट्स जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बहुत ही मतलब मेटेरियली इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, वो प्रभुपाद को प्रश्न पूछे कि व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत का यूटिलिटी क्या है, क्यों जरूरत है कृष्ण भावनामृत। तो दैट स्टूडेंट, वही स्टूडेंट श्रील प्रभुपाद को बोल रहा था कि रशियन रिवोल्यूशन देखिए, रशियन रिवोल्यूशन मानव सभ्यता के लिए कितना अच्छा कुछ किया है, लेकिन ये कृष्ण भावनामृत, कृष्ण कॉन्शियसनेस, भगवान, ये भगवान के बारे में सोचना, भगवान का पूजा करना, भगवान का नाम लेना, ये लोगों को क्या बेनिफिट देगा। श्रील प्रभुपाद बोला कि आर द रशियंस हैप्पी, रशियन रिवोल्यूशन हुआ बट आर द रशियंस हैप्पी। तो दैट स्टूडेंट, वो स्टूडेंट आंसर किया कि नहीं, द रशियंस आर नॉट हैप्पी। सो देन तो और एक स्टूडेंट उनसे प्रश्न किया, उनसे क्वेश्चन किया कि आप जो बोल रहे हैं चैंटिंग करने के लिए,
भगवान का नाम हरे कृष्ण महामंत्र चैंटिंग करने के लिए बोल रहे हैं, तो क्या मैं चैंटिंग को रिप्लेस करके काउंटिंग कर सकता हूँ? 1, 2, 3, 4 ऐसे करके मैं काउंटिंग कर सकता हूँ चैंटिंग को? विदाउट चैंटिंग आई विल ओनली काउंट। तो श्रील प्रभुपाद बोला कि तुम्हारा काउंटिंग जब खत्म हो जाएगा तब तुम चैंटिंग स्टार्ट करना। जब काउंटिंग करते करते जब जब तुम बोरिंग फील करोगे देन यू स्टार्ट चैंटिंग। श्रील प्रभुपाद कितने अद्भुत तरीके से आंसर देते थे। तो और एक स्टूडेंट श्रील प्रभुपाद से पूछा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का, तो पूछा कि हैव यू सीन गॉड, अब भगवान को देखे हैं? श्रील प्रभुपाद उनसे पूछा कि मैं अगर आपको बोलता हूं कि हाँ मैं भगवान को देखा हूं तो क्या आप मेरे ऊपर विश्वास करेंगे? विल यू बिलीव मी इफ आई टेल दैट यस आई हैव सीन गॉड, विल यू बिलीव मी? तो वो लड़का बोला कि नो आई विल नॉट बिलीव। सो देन श्रील प्रभुपाद टोल्ड दैट व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ द क्वेश्चन देन, व्हाट इज द यूज ऑफ द क्वेश्चन देन। तो इस तरीके से पूरा जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स लोग थे पूरा स्टंड हो गया एकदम श्रील प्रभुपाद का प्रेजेंस में। ऐसे श्रील प्रभुपाद आंसर दे रहे थे एक के बाद एक, एवरीवन बिकेम यू नो कंप्लीटली स्टंड बाय द प्रेजेंस ऑफ श्रील प्रभुपाद। तो स्टूडेंट्स लोग समझ पाया कि दिस इज अ पर्सन हु इज हैविंग वेरी हायर कॉन्शियसनेस, इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। श्रील प्रभुपाद का ये इफेक्ट था। श्रील प्रभुपाद इतने कृपालु थे, श्रील प्रभुपाद हर एक टाइम पे यही सोचते थे कि कैसे किसी जीवात्मा को भगवान का सेवा में एंगेज किया जाए, कृष्ण कॉन्शियसनेस में एंगेज किया जाए, यही उद्देश्य रहता था श्रील प्रभुपाद का हर एक डीलिंग्स में हर एक प्रकार से। तो श्रील प्रभुपाद एक बार क्या हुआ था अमेरिका में, अमेरिका का बॉस्टन शहर में जहाँ पे कृष्ण भावनामृत का मंदिर जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुआ, जहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ, तो बॉस्टन मंदिर में क्या हुआ था कि जो बहुत भक्त लोग रहते थे वहाँ पे, तो एक जन भक्त उनका नाम था पीटर बोल के एक भक्त नया उधर पे मंदिर में आ गया। तो वो पीटर क्या करता था कि जहां से मंदिर में लोग घुसता था वो जो वे था जो एंट्रेंस गेट था मंदिर में घुसने का, तो उसके साइड में वो बैठे रहता था। वो थोड़ा मतलब थोड़ा पागल टाइप का था, तो वो कई बार वो सोया रहता था वहां पे और कई बार वहां पे ऐसे ही बैठ के मतलब पैर को फैला के बैठ के चैंटिंग करता था। तो इस टाइप का था। भक्त लोग बोला कि इधर पे मत बैठो, यहाँ पे मत बैठो, इधर पे लोग एंटर करता है मंदिर में, तो यहाँ पे दूसरा जगह जाके बैठो। लेकिन वो ज्यादातर टाइम मेनी टाइम्स वो वहां पर ही बैठ जाता था और कई बार वहां पे सो भी जाता था। तो भक्त लोग क्या किया, भक्त लोग फिर श्रील प्रभुपाद को कंसल्ट किया, श्रील प्रभुपाद को चिट्ठी लिखा कि ऐसा एक लड़का आया है तो वो जहाँ पे लोग घुसता है वहां पे जाके सो जाता है, डिस्टर्बेंस होता है। तो श्रील प्रभुपाद रोड बैक आंसर दिया कि व्हाट्स द मैटर, व्हाई कांट यू टॉलरेट। तो श्रील प्रभुपाद का आंसर था व्हाई कांट यू टॉलरेट, व्हाट्स द मैटर, व्हाट्स द बिग डील। तो उनका वो जो व्यक्ति था पीटर, वो जो लड़का था उसका नाम हो गया था क्रेजी पीटर, पागल पीटर ऐसा नाम हो गया था उसका। तो कुछ दिन बाद वो पीटर बॉस्टन मंदिर छोड़ के
चला गया न्यू वृंदावन मंदिर में। न्यू वृंदावन इज अनदर प्लेस इन अमेरिका वेयर श्रीला प्रभुपाद गोल्डन पैलेस इज देयर स्टिल नाउ। सो तो उस मंदिर में चला गया न्यू वृंदावन में। तो अभी जो इस मंदिर का बॉस्टन मंदिर का जो भक्त लोग है उनको फिर उतना याद नहीं रहा, भूल गया उसको धीरे धीरे। तो ये बॉस्टन मंदिर का एक भक्त फिर 2 साल बाद जब न्यू वृंदावन में गया तब वहां का भक्त लोगों से पूछा कि पीटर क्या कर रहा है। तो पीटर उस मंदिर में था तभी भी, न्यू वृंदावन मंदिर में था। तो दूसरे भक्त से पूछा कि पीटर क्या कर रहा है। तो भक्त लोग बोला कि पीटर इज डूइंग नाइस, पीटर इज डूइंग नाइस एंड ही इज रेडी फॉर इनिशिएशन। वो बहुत जल्दी दीक्षा लेने लेगा और वो अच्छा भक्ति कर रहा है। तो चौंक गया। तो फिर वो भक्त फिर न्यू वृंदावन में कुछ दिन रहा, फिर इंडिया में आ गया वो भक्त, बॉस्टन मंदिर का वो भक्त। तो फिर इंडिया में बहुत दिन तक, बहुत साल तक सेवा किया और फिर जब वापस अमेरिका में गया, अब प्रभुपाद तब गुजर गए थे, 20 years later he went back to America, this devotee of Boston. 20 years later he went back to America and he went to New Vrindavan and he asked about Peter. Peter के बारे में पूछा। तो भक्त लोग बोला कि उनका तो इनिशिएटेड नाम हो गया है, दीक्षित नाम हो गया है, उनका दीक्षित नाम हो गया है कुशकृत प्रभु। तो बोला कि अच्छा कुशकृत प्रभु के बारे में आप पूछ रहे हैं, तो वो तो बहुत बड़ा स्कॉलर हो गया है, तो संस्कृत को ट्रांसलेट कर रहा है इंग्लिश में और डिफरेंट लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन का काम करता है प्रभु जी। ही बिकम यू नो वेरी यू नो प्रोमिनेंट फेमस इन द टेम्पल। एंड ये जो भक्त था तो सोचा कि अरे बाप रे, वही पीटर जिसका नाम हो गया था क्रेजी पीटर, वही आज को संस्कृत से इंग्लिश ट्रांसलेशन कर रहा है और इतना अच्छा भक्त हो गया है। तो उनको याद आया कि श्रील प्रभुपाद बोला था कि व्हाट्स द मैटर, व्हाई कांट यू टॉलरेट। सोचिए श्रील प्रभुपाद देख पाया था उनमें पोटेंशियल, दूसरा लोग सब क्या हुआ था, सब सोच रहा था कि ये तो पागल है, ये तो कोई काम का नहीं। लेकिन श्रील प्रभुपाद बोला कि उनको शेल्टर दिया और फिर जाके वही अच्छा भक्त बन गया, एक क्रेजी पीटर। तो इस तरीके से श्रील प्रभुपाद का हर टाइम पे उनका यही मूड था, कॉम्पैशन और जो करुणा है वो सबको दिखता था और बाहर में वो रिफ्लेक्टेड होता था। तो एक बार बॉम्बे में हम लोग जानते हैं कि शायद आप लोग जानते हैं कि जुहू मंदिर, इस्कॉन जुहू जो बॉम्बे का मंदिर है, उस जुहू मंदिर को पाने के लिए और बनाने के लिए बहुत बहुत कष्ट करना पड़ा श्रील प्रभुपाद को और उनके उनके शिष्य को भी। कई सारा शिष्य बहुत स्ट्रगल किया उधर पे। मिस्टर नायर बोल के एक जन था जो बहुत कठिनाई दिया था, बहुत कष्ट दिया था श्रील प्रभुपाद को और उनके शिष्य को। तो बहुत स्ट्रगल के बाद ये बॉम्बे मंदिर जो हरे कृष्ण लैंड में है, हरे कृष्ण लैंड इन जुहू एरिया इन मुंबई, तो जब फाइनली जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ तो एक जन भक्त था, एक जन लाइफ मेंबर था, तो उनका नाम था मिस्टर शेट्टी। तो मिस्टर शेट्टी उनका उनका एक कंस्ट्रक्शन का बिजनेस था, कंस्ट्रक्शन कंपनी था। तो
जब कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, मंदिर का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, और फिर जब मंदिर का साइड में जो आश्रम का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, तो उस कंस्ट्रक्शन में हेल्प किया था मिस्टर शेट्टी। तो जब पूरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, तो भक्त लोग श्रील प्रभुपाद के लिए एक अलग क्वार्टर बनाया था। श्रील प्रभुपाद जब आएगा बॉम्बे में, तो उनके लिए अलग रूम्स बनाया था, और बहुत अच्छे तरीके से फर्नीचर देके पूरा बहुत बेहतरीन सुविधा के साथ प्रभुपाद क्वार्टर को बनाया। अभी भी है वो प्रभुपाद क्वार्टर। जब जब हम गए थे इस्कॉन जुहू, तब हम वहाँ पे गए थे। प्रभुपाद क्वार्टर्स अभी भी है, बहुत ही प्रभुपाद का यूज किया हुआ चीज़ें अभी भी म्यूजियम का तरीके से वहाँ पे रखा गया है। प्रभुपाद यूज टू स्टे देयर। तो जब कंस्ट्रक्शन हुआ, पूरा आश्रम का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, और प्रभुपाद का रूम का भी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, तो ये मिस्टर शेट्टी देखने आया, और शिला प्रभुपाद भी आए। तो शिला प्रभुपाद मिस्टर शेट्टी को बोला कि आप तो अभी बूढ़े हो गए हो, तो आप अभी मेरा मेरे लिए देखिए, मेरा शिष्य लोग इतना अच्छा क्वार्टर बनाया, इतना इतना अच्छा फर्नीचर देके बनाया है, तो आप इसमें रह जाइए। अभी आप रिटायर्ड लाइफ में है, अभी आपका बहुत उम्र हो चुका है, तो बाद बाकी जीवन आप भगवान का सेवा में बिताइए, और फैमिली लाइफ से रिटायरमेंट लेके आप वानप्रस्थ के रूप में इधर पे भगवान का सेवा कीजिए। मेरा रूम पे आप रहिए, मैं दूसरा जगह रह लूंगा, आप मेरा रूम में रहिए। तो मिस्टर शेट्टी सोचा कि अरे बाप रे, आपका श्रील प्रभुपाद अपना रूम दूसरे को देने के लिए तैयार है। और मिस्टर शेट्टी पूछा श्रील प्रभुपाद से, मैं आपका रूम में रहूंगा तो आप कहाँ रहेंगे? श्रील प्रभुपाद बोला कि मैं कहीं भी रह लूंगा, मेरा आप चिंता मत करो, आप इधर रह जाइए। तो देखिए, श्रील प्रभुपाद किसी जीवात्मा को, किसी व्यक्ति को भगवान का सेवा में एंगेज करने के लिए अपना कंफर्ट को भी, अपना क्वार्टर्स को भी त्याग करने के लिए एक बार भी नहीं सोचा। तो ये श्रील प्रभुपाद का कंपैशन का, हर एक जगह पे श्रील प्रभुपाद का जो करुणा का ये प्रतिफलन है। एक बार अर्ध कुंभ मेला में, भारत में हम लोग जानते हैं कुंभ मेला होता है, और कुंभ मेला में भक्त लोग जाता है उधर पे। इस्कॉन का जो बुक्स का एक स्टॉल लगता है, इस्कॉन का एक टेंट लगता है, अभी भी होता है कुंभ मेला, जब भी ऑर्गेनाइज होता है भारत में, तो इस्कॉन का एक जगह रहता है। तो श्रील प्रभुपाद कुंभ मेला में जाते थे। तो क्या हुआ कि एक बार श्रील प्रभुपाद उनके कुछ शिष्यों के साथ कुंभ मेला में गया, और ये अर्ध कुंभ था और बहुत ठंडा था, बहुत ठंडा, चिलिंग कोल्ड। नॉर्थ इंडिया में ये सब जगह पे हम लोग जानते हैं कितना ठंडा होता है, तो अभी भी बहुत ठंडा है। तो जब प्रभुपाद अर्ध कुंभ मेला में गया उनके शिष्यों के साथ, तो टेंट में रह रहा था, तो इतना ठंडा था, इतना ठंडा था कि भक्त लोग, उनके शिष्य लोग सुबह उठ नहीं पा रहा था, लेट से उठ रहा था सुबह में। तो श्रील प्रभुपाद वो काफी मतलब नाखुश हो गया। नाखुश मतलब क्या, वो चिंतित हो गया श्रील प्रभुपाद कि भक्त लोग ठंडा में एकदम कंबल ओढ़ के एकदम अच्छा से नींद दे रहा है, लेट से उठ रहा है। तो श्रील प्रभुपाद एक दिन क्या किया कि एकदम जल्दी उठ गया, और बाहर जाके जो कॉल था, जो नल था, वो ठंडा पानी, एकदम एकदम ठंडा पानी, उस ठंडा पानी से नहाने लगा। और भक्त लोग सोचा क्या हुआ, इतना ठंडा पानी से श्रील प्रभुपाद नहा रहा है, चिलिंग कोल्ड वाटर, कैन यू इमेजिन,
कुंभ मेला ठंडा पानी से नहा रहा है श्रील प्रभुपाद, तो भक्त लोग कैसे सोए रह सकेगा? तो भक्त लोग उसी दिन से फिर जल्दी उठना स्टार्ट कर दिया। तो यही एक इंसिडेंट और एक बार हुआ था जब श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका नहीं गया था, तब यंगर था, तो उनका 70 साल के पहले 50 साल हुआ था। तब एक बार क्या हुआ था कि कुंभ मेला में ही गया था, इलाहाबाद में गया था, तो वहां पे उस टाइम कुंभ मेला नहीं था इलाहाबाद में, उनका कंपनी था, तब वो गृहस्थ था श्रील प्रभुपाद उस टाइम पे। तो इलाहाबाद में जब गया तो एक घर पे श्रील प्रभुपाद रुका था, तो वहां पर भी श्रील प्रभुपाद लीलामृत में वर्णन आता है, श्रील प्रभुपाद लीलामृत में यह दिया हुआ है, तो वहां पर भी एकदम सुबह सुबह श्रील प्रभुपाद ठंडा पानी से नहाया, और एक जन व्यक्ति जो नेवर था वो जब देखा कि श्रील प्रभुपाद ठंडा पानी से ठंडी का दिन पे नहा रहा है सुबह सुबह एकदम भोर में एकदम पूरा ब्रह्म मुहूर्त में, तो उनको पूरा एकदम शॉक लग गया कि कैसे कैसे हो सकता है। तो श्रील प्रभुपाद हम लोगों को एग्जाम्पल के माध्यम से सिखा रहा है, तो कुछ भी चीज श्रील प्रभुपाद किया है खुद को जीवन में अप्लाई किया है फिर दूसरे को बताया है, ये है एक्चुअली जो आचार्य का लक्षण यही है। मैं श्रीमद् भागवतम में पढ़ रहा था, कल को ही पढ़ रहा था श्रीमद् भागवतम में, श्रील प्रभुपाद उनका पारपट में लिख रहा है कि ब्रह्म संप्रदाय में जो इस्कॉन जो है वो ब्रह्म संप्रदाय में है, तो ब्रह्म संप्रदाय में कोई भी व्यक्ति जो ब्रह्म संप्रदाय में जो दीक्षित है और ब्रह्म संप्रदाय में जो दीक्षा लिया है वो व्यक्ति कभी अपने जीवन में बिना आचरण किए दूसरे को शिक्षा नहीं देता। ये ब्रह्म संप्रदाय का ये व्यक्ति का ये स्टैंडर्ड सेट किया है श्री प्रभुपाद कि खुद का जीवन में पालन करके फिर दूसरे को वही चीज बोलना चाहिए। तो श्री प्रभुपाद हर एक चीज पालन किया, दैट इज व्हाई ही इज ए ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस ब्रह्म संप्रदाय, ही इज ए जेन्युइन स्पिरिचुअल मास्टर एंड ही इज ए प्योर डिवोटी ऑफ कृष्णा, ही इज ट्रांसपेरेंट वाया मीडियम, जो कृष्ण भगवान कृष्ण का मर्सी जो कृपा है उनके थ्रू फ्लो कर रहा है। तो इस तरीके से श्रील प्रभुपाद शिक्षा दिया। एक बार चेन्नई में क्या हुआ था, चेन्नई में कुछ भक्त लोग जो चेन्नई का चीफ जस्टिस है, मैड्रास हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस को कल्टिवेट कर रहा था, उनको प्रचार कर रहा था। तो ये हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस काफी इंटरेस्ट दिखा रहा था कृष्ण भावनामृत में, काफी इंटरेस्ट दिखा रहा था। तो वो बहुत क्वेश्चन पूछता था भक्तों को। अच्छा, किसी ने प्रश्न किया है कि ब्रह्म संप्रदाय क्या है। अच्छा, तो आई विल आंसर हिम पर्सनली। चार संप्रदाय होता है, चार गुरु परंपरा संप्रदाय होता है, उसमें ब्रह्म संप्रदाय एक है। एनीवेज, सो ये मैड्रास हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस जब काफी इंटरेस्ट दिखा रहा था, तब गिरिराज महाराज उनको कल्टिवेट कर रहा था। उस टाइम पे गिरिराज महाराज नहीं था, उस टाइम पे गिरिराज प्रभु था, संन्यास नहीं हुआ था। तो वो बड़े शहर में, गिरिराज महाराज बड़े बड़े शहर में बड़े बड़े व्यक्तियों को कल्टिवेट करता था, बॉम्बे में, चेन्नई में, कलकत्ता में। तो ये चीफ जस्टिस बहुत इंटरेस्ट दिखा रहा था भक्ति में, और फिर और भी प्रगति किया भक्ति में, तो
इनिशिएशन का नजदीक आ गया, दीक्षा लेने का कगार पे आ गया, तो लेकिन एक ही चीज था कि वो चाय को छोड़ नहीं पा रहा था, चाय छोड़ नहीं पा रहा था। तो श्रील प्रभुपाद को गिरिराज महाराज बताया कि ये दीक्षा लेने के लायक है लेकिन चाय छोड़ नहीं पा रहा है। श्रील प्रभुपाद को, श्रील प्रभुपाद ने उनका ये चीज सुना तो श्रील प्रभुपाद बोला ठीक है देखते हैं, थोड़ा वेट करने के लिए बोला। तो ये जो चीफ जस्टिस के थ्रू श्रील प्रभुपाद एक बहुत बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, समस्त एडवोकेट्स को ये चीफ जस्टिस बुलाया था और समस्त जो लॉयर्स है सबको बुलाकर एक तो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था श्रील प्रभुपाद, तो चेन्नई में। तो वहाँ पे श्रील प्रभुपाद लेक्चर दिया, बहुत अच्छे तरीके से लेक्चर दिया। श्रील प्रभुपाद रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के बारे में बताया कि कैसे रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी इतने एरिस्टोक्रेटिक बैकग्राउंड से था लेकिन किस तरीके से कृष्ण भावनामृत आंदोलन पे वो लोग सेवा किया। तो लेक्चर होने के बाद सभी लॉयर्स लोग और एडवोकेट्स लोग सब चला गया, तब इनका घर पे गया ये चीफ जस्टिस का घर में गया श्रील प्रभुपाद, और उनके भक्त भी था उनके साथ। प्रोग्राम होने के बाद रात में घर पे गया, तब ये चीफ जस्टिस का घर पे एक ठो भगवान कृष्ण का एक मूर्ति था जो पूरा पूरी सिल्वर से बना हुआ पूरा पूरी एक भगवान कृष्ण का एक मूर्ति था, छोटा सा उनका घर पे था। तो श्रील प्रभुपाद भी बैठे हुए थे, बगल में चीफ जस्टिस बैठा हुआ है, फिर सामने श्रील प्रभुपाद के शिष्य लोग बैठे हुए है। तो एक छोटा सा बच्ची श्रील प्रभुपाद के एक डिसाइपल के बेटी थी, उनका नाम था सरस्वती। तो श्रील प्रभुपाद क्या किया कि वो जो छोटा सा कृष्ण का जो मूर्ति है सिल्वर से बना हुआ कृष्ण का मूर्ति उसको दिखाया, ये सरस्वती को दिखाया। ये कृष्ण का मूर्ति सरस्वती को दिखा श्रील प्रभुपाद उसको छुपा दिया। तो उस टाइम पे फिर श्रील प्रभुपाद पूछा सरस्वती से, सरस्वती वेयर इज कृष्णा, छोटा सा बच्ची सरस्वती को पूछा वेयर इज कृष्णा। सरस्वती देख नहीं पा रहा है कहाँ गया कृष्ण, वो मूर्ति कहाँ गया, प्रभुपाद तो पीछे छिपा दिया है। सरस्वती इधर उधर ढूंढ रही है। तो एक जन भक्त उनको हिंट दिया कि सरस्वती हु हैज कृष्ण। तो सरस्वती थोड़ा देर सोची और वो बोली कि प्रभुपाद हैज कृष्ण। तो श्रील प्रभुपाद तब अपने पीछे से वो विग्रह को मूर्ति को निकाला दिखाई, यस। तो श्रील प्रभुपाद उसके बाद एक शिक्षा दिया कि देखिए जब कृष्ण नहीं था गायब था, उनका सरस्वती का आंखों से सामने से जब कृष्ण गायब था तो सरस्वती ढूंढ रहा था कहाँ है कृष्ण, वेयर इज कृष्ण। इसी तरीके से हम लोग को भी भगवान को पाने के लिए वो इंटेंसिटी होना चाहिए, वो इंटेंसली भगवान को पाने का डिजायर हम लोग के अंदर होना चाहिए। श्री प्रभुपाद उसके बाद ये चीज पे एम्फेसाइज किया। सो इस तरीके से श्रील प्रभुपाद कितने लीलाएं की। तो
इस तरीके से ये वाला लीला हुआ सरस्वती के साथ, छोटा बच्ची सरस्वती के साथ श्री प्रभुपाद कितना अच्छे से आदान प्रदान किया और भक्तों को भी एक शिक्षा दिया उसके माध्यम से। तो श्री प्रभुपाद एक बार क्या हुआ था, कोलकाता में जब श्री प्रभुपाद का एक शिष्य वो अच्छे से भक्ति कर रहा था, लेकिन फिर क्या हुआ कि वो फिर एक बैड हैबिट को डेवलप कर दिया, गांजा पीने लगा फिर से। तो श्रील प्रभुपाद तब बॉम्बे में था, तो उनके पास खबर गया कि एक भक्त जो कोलकाता में भक्ति कर रहा था फिर मंदिर में था, तो वो फिर से गांजा पीना स्टार्ट कर दिया कहाँ से। तो श्रील प्रभुपाद को खबर दिया टेंपल प्रेसिडेंट ने, तो श्रील प्रभुपाद बोला कि उनको बोलो कि गांजा पीना बंद करने, नहीं तो मैं उसको रिजेक्ट कर दूंगा, तो उसको मैसेज देने बोलो। तो फिर श्रील प्रभुपाद फोन में कन्वर्सेशन हुआ, फोन उनको फोन किया गया बॉम्बे में, तो टेलीफोन तो था उस टाइम पे लैंड फोन था। तो फिर प्रभुपाद ये चीज बोल के कि उनको बोलो कि गांजा पीना बंद करें, नहीं तो मैं उसको रिजेक्ट कर दूंगा, तो फोन उसके बाद रख दिया। तो उसको प्रभुपाद का बगल में और एक जन था और एक शिष्य था, तो प्रभुपाद से पूछा कि क्या अगर वो गांजा पीना नहीं छोड़ा तो आप उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो श्रील प्रभुपाद बोला कि गुरु अपने शिष्य को रिजेक्ट नहीं कर सकता है। गुरु श्रील प्रभुपाद बोला कि ये गुरु का दायित्व होता है कि शिष्य को स्पिरिचुअल वर्ल्ड में लेके जाना, और गुरु अपने शिष्य को रिजेक्ट नहीं कर सकता है, रिजेक्ट नहीं करता है। तो श्रील प्रभुपाद बोला मैं तो ऐसे ही उसको बोला ताकि ताकि वो सुधर जाए। तो गुरु अपना शिष्य को रिजेक्ट नहीं करता है, लेकिन शिष्य अगर गुरु को रिजेक्ट कर देता है तो वो माया में चला जाता है। कितने भक्त लोग, आप सोचिए कितने भक्त प्रभुपाद के टाइम पे भी जब प्रभुपाद को छोड़ दिया, भक्ति को छोड़ दिया, तो वो फिर मेटेरियलिस्टिक लाइफ में फिर लौट के चला गया। लेकिन इसमें नुकसान किसको हुआ? जो श्रील प्रभुपाद को छोड़ दिया उसी का नुकसान हुआ। तो शिष्य अगर गुरु को रिजेक्ट कर देता है तब शिष्य का लॉस है, इट इज द लॉस ऑफ द डिसाइपल इफ ही गोज टू माया। तो लेकिन गुरु हमेशा वो दरवाजा ओपन रखता है कि शिष्य कभी भी लौट सकता है गुरु के पास, और गुरु लाइफ आफ्टर लाइफ ये वेट करता है कि कब शिष्य फिर से भक्ति में आएगा और कैसे फिर से भक्ति लाइफ को अपनाएगा और फिर अच्छे से भक्ति करके भगवान का धाम पे लौट के जाएगा। तो कोई शिष्य अगर गुरु को रिजेक्ट भी कर देता है, गुरु उसके लिए भी सोचता है, और नेक्स्ट लाइफ में उसको फिर नेक्स्ट लाइफ में नहीं होगा तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट लाइफ में कोई ना कोई लाइफ में तो वो लेके ही जाएगा भगवान के धाम। लेकिन शिष्य अगर वो नेग्लेक्ट करते जाएगा, अगर डिसाइपल अच्छे तरीके से गुरु का इंस्ट्रक्शन अगर फॉलो नहीं करेगा तो माया देवी का चंगुल में वो आ जाएगा और फिर वो कष्ट पाएगा। एक ना एक लाइफ में तो गुरु लेके ही जाएगा स्पिरिचुअल वर्ल्ड, लेकिन शिष्य अगर गुरु को वेट करवाता है तो शिष्य का लॉस है। वो गुरु को अगर 50 जन्म तक वेट करवा दिया तो वो शिष्य का लॉस है। वो अगर इसी जन्म में अच्छे से भक्ति किया शिष्य और गुरु का कृपा से भगवान के धाम पे लौट के गया तो वो शिष्य का एडवांटेज है, उनको जन्म मृत्यु का चक्कर में कष्ट नहीं पाना रहेगा। लेकिन
यही चीज को अगर सीरियसली नहीं लेगा शिष्य और गुरु का निर्देशों को अच्छे तरीके से नहीं पालन करेगा, तब वो शिष्य का वो लॉस है। तो श्रील प्रभुपाद एक बार क्लास दे रहा था। तो क्लास के एंडिंग में श्रील प्रभुपाद एक पॉइंट को बहुत एम्फेसाइज कर रहा था। यू हैव टू बी 100% कृष्ण कॉन्शियस इफ यू हैव टू गो बैक टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड। यू हैव टू बी 100% कृष्ण कॉन्शियस। बहुत एम्पैटिकली बोल रहा था इस चीज को। तो क्लास के एंडिंग में सब भक्त लोग थोड़ा मायूस हो गया है। 100% कृष्ण कॉन्शियस ये तो बहुत कठिन है, मायूस हो गया भक्त लोग। तो श्रील प्रभुपाद समझ पाया कि भक्त लोग मायूस हो गया। सोचिए, अगर हम लोग अपना लाइफ को एनालाइज करते हैं, हम लोग एक टेबल बनाते हैं अपना लाइफ में, एक तो एनालिसिस करने के लिए एक तो टेबल बनाते हैं कि एक दिन में एवरी डे हाउ मेनी टाइम्स आई एम थिंकिंग अबाउट कृष्णा एंड हाउ मच टाइम आई एम थिंकिंग अबाउट अदर थिंग्स अदर देन कृष्णा। तो भगवान के बारे में कितना टाइम, पूरा दिन में 24 घंटा में कितना टाइम हम लोग भगवान के बारे में सोच रहे हैं, भगवान का सेवा कर रहे हैं, भगवान कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटी कर रहे हैं, और कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं भगवान को अर्पण करके, भगवान का सेवा को रूप में, उसका परसेंटेज ऑफ टाइम, और दूसरा तरफ टेबल के दूसरा तरफ ये हम लोग इंद्र तृप्ति के बारे में कितना परसेंटेज ऑफ टाइम सोच रहे हैं। So we can analyze that 100% तो क्या हम लोग तो मतलब 5% 10% पूरा दिन का टाइम पे भी भगवान के बारे में नहीं सोचते हैं। हर टाइम सिर्फ अपना ही इंद्रिय तृप्ति, सेंस ग्रेटिफिकेशन और अपना ही भोग विलास का चिंता करते रहते हैं। तो 100% कृष्ण कॉन्शियस होना कितना कठिन चीज है। 24 hours थिंकिंग ऑफ कृष्णा, सततम कीर्तयन्तो माम, भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बोल रहे सततम कीर्तयन्तो माम। चैतन्य महाप्रभु तो इंस्ट्रक्शन दिया था ऑलवेज चैंट हरे कृष्ण, ऐसा नहीं कि 16 राउंड, चैतन्य महाप्रभु 16 राउंड नहीं बोला था, ऑलवेज चैंट हरे कृष्ण। सोचिए 24 आवर्स सोते जागते सब टाइम। सो वेरी वेरी डिफिकल्ट टू बिकम 100% कृष्ण कॉन्शियस। तो भक्त लोगों का तो पूरा मायूस हो गया वो लोग। तो श्रील प्रभुपाद जब लेक्चर देने के बाद व्यासासन से उठा, उनका चादर को जब इस तरीके से रखा, तो उस टाइम पे बोला श्रील प्रभुपाद, ओके 90% कृष्ण कॉन्शियस। If you are 90% Krishna conscious, then also Krishna will take you to spiritual world. और फिर और थोड़ा आगे गया और थोड़ा चलने लगा, तब श्रील प्रभुपाद बोला, ओके 80% Krishna conscious, then also Krishna will take you back to Godhead. और थोड़ा आगे गया तब बोला 70% Krishna conscious. तो उसके बाद श्रील प्रभुपाद बोला no less. 70% कृष्ण कॉन्शियस, एटलीस्ट यू हैव टू बी 70% कृष्ण कॉन्शियस, देन ओनली यू विल बी एबल टू गो बैक टू गॉड हेड, नो लेस देन दैट, नो मोर कॉन्सेशन। सो जस्ट इमेजिन, यू नो व्हाट इज द क्वालिफिकेशन ऑफ गोइंग बैक होम, बैक टू गॉड हेड, बैक टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। इट्स नॉट दैट इजी थिंग, इट्स नॉट दैट अ चीप थिंग। So Srila Prabhupada has given us some concession by his strength. This is the strength of an acharya, spiritual master. He is compassionate. So Srila Prabhupada, aur ek bar jab bhakton ke sath Srila Prabhupada morning walk mein jata tha, to morning walk mein bhi jab jata tha tab bhakton bhakton ko
बहुत सारा चीज सिखाता रहता था, शिक्षा देते रहता था, ये चीज नेचर में ये चीज है, इसको देख के आप क्या शिक्षा ले रहे हो, ऐसे पूछता रहता था अपने शिष्य को। और शिष्य लोग जब आंसर नहीं दे पाता था तब श्रील प्रभुपाद समझाता था कि दिस इज द आंसर। तो मॉर्निंग वॉक्स, बहुत सारा मॉर्निंग वॉक्स में बहुत सारा लीला हुआ श्रील प्रभुपाद का। तो एक मॉर्निंग वॉक में श्रील प्रभुपाद गया तो एक चर्च को देखा, तो चर्च को देख के श्रील प्रभुपाद बोला कि इन फ्यूचर आवर इस्कॉन सेंटर्स विल बी लाइक चर्च। तो उस टाइम पे क्या था सिस्टम, जब प्रभुपाद के टाइम में ज्यादातर भक्त लोग क्या करता था, मंदिर में रहता था, मंदिर में ही रह के सेवा करता था भगवान का, बाहर में भक्त लोग नहीं रहता था। हरे कृष्ण डिवोटी मतलब कि मंदिर में रहता है, ऐसा था श्रील प्रभुपाद के टाइम पे। श्रील प्रभुपाद बोला कि इन फ्यूचर आवर इस्कॉन सेंटर्स विल बी लाइक चर्चेस। चर्च का क्या होता है, चर्च में बहुत कम लोग रहता है और ज्यादातर कम्युनिटी रहता है जो सप्ताह में एक दिन चर्च में आता है और इस तरीके से फेस्टिवल में आता है। तो इसी तरीके से देखिए अभी भी वैसा ही है, जो जैसे श्रील प्रभुपाद प्रेडिक्ट किया फ्यूचर को वैसा ही हो गया है। अभी इस्कॉन मंदिर के भीतर कितना लोग रहते हैं, मैक्स टू मैक्स 50-60-80 इतना ही होगा, लेकिन ज्यादातर भक्त लोग कहाँ पे है, सब घर में भगवान का भक्ति कर रहा है, गृहस्थ है, घर पे भगवान का भक्ति कर रहा है और फेस्टिवल का टाइम मंदिर में आता है या फिर वीकेंड्स में मंदिर में आता है, इस टाइप का ही। तो श्रील प्रभुपाद वो प्रेडिक्ट कर दिया था इन फ्यूचर और इस्कॉन टेम्पल्स विल बी लाइक चर्चेस। और अभी तो देखिए कोरोना के कारण तो अभी मंदिर में ही नहीं आ पा रहा है भक्त लोग, सोचिए घर को ही मंदिर बनाना है ऐसा हो गया है। तो हर घर को भविष्य में हर घर मंदिर का रूप में, जहाँ पे भगवान का भक्ति कर रहा है, पूरा परिवार मिलके भगवान का भक्ति कर रहा है, जिस घर पे ये हो रहा है तो वो घर भगवान का निवास स्थल है, वो कोई ऑर्डिनरी घर नहीं है, जिस घर पे भगवान का भक्ति हो रहा है। तो इस तरीके से और भी ज्यादा ये बढ़ेगा फ्यूचर में, हर घर घर पे भक्त लोग भक्ति करेगा अपने परिवार के साथ, और कुछ लोग मंदिर में रहेगा जो लोग रिनाउंस्ड ऑर्डर ऑफ आश्रम में है, रिनाउंस्ड ऑर्डर में है जो लोग, वो लोग मंदिर में रहेगा और ज्यादातर भक्त लोग गृहस्थ होगा और अपना घर पे भक्ति करेगा। तो अभी वही चीज है इस्कॉन में, ये ज्यादातर भक्त लोग गृहस्थ है, बहुत ही कम लोग रिनाउंस्ड ऑर्डर में ब्रह्मचारी सन्यासी, बहुत कम लोग हैं। तो इसी तरीके से आगे बढ़ेगा इस्कॉन सोसाइटी। तो एक बार श्रील प्रभुपाद को गांधी जी का एक बहुत बड़े फॉलोअर था, उनका नाम है विनोबा भावे। तो विनोबा भावे गांधी जी चले जाने के बाद वो एक कॉन्फ्रेंस का ऑर्गेनाइज किया था, एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया था, वो कॉन्फ्रेंस गीता के ऊपर था और विनोबा भावे वो गांधी का क्लोज फॉलोअर था और उनका जो और एक गोल था कि गो हत्या को बंद किया जाए। तो गो हत्या को बंद और गीता का प्रचार हो, इसके लिए वो एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया था विनोबा भावे। तो वो कॉन्फ्रेंस वो सम्मेलन आपका हुआ था महाराष्ट्र के एक जगह पे, वार्धा जो गांधी से रिलेटेड है, विनोबा भावे से रिलेटेड है वो जगह, तो वार्धा में ये कॉन्फ्रेंस का ऑर्गेनाइज किया गया था। तो विनोबा भावे इनको श्रील प्रभुपाद को इनवाइट किया था उसमें, उस सम्मेलन में। तो श्रील प्रभुपाद गया था अपने शिष्यों के साथ उस कॉन्फ्रेंस में गया था और
श्रील प्रभुपाद जब तो उनके उनको लेक्चर देने का बारी था श्रील प्रभुपाद का, तो श्रील प्रभुपाद लेक्चर दिया अच्छा से, और लेक्चर के बाद आधा घंटा 45 मिनट कीर्तन किया। तो पूरा मतलब भक्त लोग पूरा डांसिंग करने लगा और कीर्तन, सब लोग कीर्तन कर रहा था, भक्त लोगों को देख के, वेस्टर्न भक्त लोगों को देख के सब लोग कीर्तन कर रहा था। श्रील प्रभुपाद भी बहुत देर तक कीर्तन को खींच दिया, 45 मिनट्स क्लास के बाद 45 मिनट्स कीर्तन किया और भक्त लोग बहुत एंजॉय किया कीर्तन को, और दूसरा लोग भी कीर्तन किया, भक्त लोग तो डांसिंग करना चालू कर दिया था एकदम। तो जब खत्म हुआ कीर्तन, तो एक मायावादी सन्यासी, मायावादी सन्यासी फिर उठ के खड़ा हो गया, वो नाराज हो गया था, कीर्तन क्यों हो रहा है इतना, ये गीता का ऊपर चर्चा है, इतना कीर्तन, ये सब डांसिंग कीर्तन, ये सब क्यों हो रहा है इतना। तो मायावादी सन्यासी बहुत गुस्सा गया था। मायावादी कौन है? मायावादी वो है जो जो लोग बोलता है कि हम भगवान, तुम भगवान, सब भगवान, यह मायावादी, सब कोई भगवान बन जाएगा, यह मायावादी फिलोसफी। तो वो फिर उठ के अपना एक मंत्र बोलने लगा, ओम वासुदेवाय, कुछ कुछ ओम तत्सत, ऐसे कुछ मंत्र बोलने लगा, और सबको, सब लोगों को बोल रहा है कि चैंटिंग करो मंत्र, तो कोई लोग उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहा। हाँ, तो ऐसा एक तो पूरा बहुत एक संस्कृत मंत्र पूरा बोल रहा है अपने आप से ही, और सबको, सब लोग को बोल रहा है कि वो मंत्र को रिपीट करने के लिए। तो कोई कोई लोग, उतना लोग कोई रिपीट नहीं कर रहा था उसको। और फिर श्रील प्रभुपाद अपने शिष्य लोग को बोला, स्टार्ट कीर्तन अगेन। श्रील प्रभुपाद के शिष्य लोग फिर से स्टार्ट कर दिया कीर्तन, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। तो मायावादी सन्यासी का जो इतना बड़ा बड़ा मंत्र संस्कृत का, लोग उतना पसंद नहीं कर रहा था, जब कीर्तन स्टार्ट हुआ तो ये भी बंद हो गया और लोग भी खुश हो गया। तो इस तरीके से श्रील प्रभुपाद जहाँ पर भी जाते थे, ये भगवान का नाम का प्रचार और प्रसार करते थे, और लोगों को भगवान का नाम के प्रति आसक्त कर देते थे। श्रील प्रभुपाद का ये खूबी था। तो इस तरीके से श्रील प्रभुपाद गांधी जी को भी लेटर लिखा था, कि जब गांधी जी, जब उनका, जब देश का इंडिपेंडेंस हो गया, और फिर उस टाइम पे गांधी जी को श्रील प्रभुपाद लेटर लिखा था कि आप अभी एक्टिव पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए और भगवान का वाणी गीता प्रचार प्रसार करने के लिए आप लग जाइए, तो अदरवाइज यू मे डाई एट एनी टाइम। गांधी जी को लेटर लिखा था श्रील प्रभुपाद, लेकिन गांधी जी के पास वो लेटर पहुंचा कि नहीं पहुंचा पता नहीं, गांधी जी के पास इतना इतना लेटर उनके पास जाता था, गांधी जी के पास वो लेटर पता नहीं पहुंचा कि नहीं, लेकिन गांधी जी भारत के इंडिपेंडेंस के बाद भी एक्टिव पॉलिटिक्स नहीं छोड़ा, और फिर कुछ दिन के बाद उनका डेथ हो गया, नाथुराम गोडसे उनको मार दिया। तो श्रील प्रभुपाद पहले ही ये वार्निंग दे दिया था गांधी जी को। नाउ गांधी जी गीता के प्रति बहुत अटैच था, गीता के प्रति ही वाज वेरी फॉन्ड ऑफ गीता गांधी जी, और श्रील प्रभुपाद गांधी जी का ये जो क्वालिटी है इसको पसंद भी करता था बहुत। महात्मा गांधी सो फॉन्ड ऑफ गीता, भगवद गीता, तो ये रिक्वेस्ट भी किया था, लेटर भी भेजा था कि अभी आप भगवद गीता का प्रचार में और भगवान का वाणी प्रचार में अभी आप अपना लाइफ को दीजिए, अभी एक्टिव पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए, नहीं तो आप ज्यादा दिन
जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो वही चीज हुआ। तो शिला प्रभुपाद इंदिरा गांधी से मिला था, इंदिरा गांधी से मीट किया था शिला प्रभुपाद। तो इंदिरा गांधी उनको एक्चुअली पहले जब अपॉइंटमेंट हुआ तो एक थर्सडे आफ्टरनून को मीटिंग रखा था इंदिरा गांधी शिला प्रभुपाद के साथ। और थर्सडे आफ्टरनून में जो मीटिंग है ना शिला प्रभुपाद, वो उनको उतना पसंद नहीं था शिला प्रभुपाद को। थर्सडे आफ्टरनून वन शुड नॉट हैव मीटिंग, स्पेशली शिला प्रभुपाद। आप अगर देखते हैं शिला प्रभुपाद ये चीज बोलता था कि आफ्टरनून में मीटिंग करना उतना सही नहीं है, आइदर यू डू द मीटिंग इन द मॉर्निंग टिल 11 AM ऑल्सो इट इज ओके, और यू डू द मीटिंग एट द इवनिंग टाइम। आफ्टरनून में मीटिंग अच्छा इफेक्ट नहीं होता है। आप लोग जब कॉरपोरेट सेक्टर में भी आप लोग काम करेंगे, कोई कोई काम कर रहा है तो आफ्टरनून में अगर देखिएगा कोई मीटिंग हो रहा है तो उसके इफेक्ट नहीं होगा उतना। आफ्टरनून टाइम इज नॉट ए गुड टाइम फॉर मीटिंग, दैट इज द टाइम फॉर लंच। तो लेकिन कंपनी का जो मालिक होता है उन लोगों के साथ जो मीटिंग होता है, मेन कंपनी जितना भी कंपनी के अंडर में जो लोग भी मेन मैनेजर्स है वो लोग कंपनी का मालिक के साथ जब मीटिंग करता था, वो मीटिंग शाम को होता है, शाम 7 बजे, 7 बजे 8 बजे वो सब लोग जाके रिपोर्ट करता है कंपनी को। तो रात में मीटिंग होना ठीक ठाक है और अर्ली मॉर्निंग में 11 बजे तक मीटिंग ठीक ठाक है, चलेगा। लेकिन ये दोपहर में मीटिंग होना उतना सही टाइम नहीं है। शिला प्रभुपाद इस चीज को फॉलो करते थे। तो और विशेष करके थर्सडे को आफ्टरनून में तो एकदम इनऑस्पिशियस टाइम फॉर मीटिंग, इट्स नॉट ए गुड टाइम फॉर मीटिंग एट ऑल। तो शिला प्रभुपाद पसंद नहीं था वो टाइम, थर्सडे आफ्टरनून चूज किया इंदिरा गांधी। तो फिर बाद में इंदिरा गांधी चेंज भी किया उसको, उस मीटिंग का टाइम को चेंज भी किया। तो फिर जाके जब अपॉइंटमेंट हुआ शिला प्रभुपाद के साथ, तो शिला प्रभुपाद जब इंदिरा गांधी का रूम में घुसा तो उनको अकेले ही घुसने दिया गया, और उनके साथ और किसी शिष्य को घुसने नहीं दिया गया। तो शिला प्रभुपाद और इंदिरा गांधी के बीच मीटिंग हुआ था। तो शिला प्रभुपाद, हम लोग शिला प्रभुपाद लीलामृत में ये वर्णन है, शिला प्रभुपाद बहुत सारा चीज लिखा था इंदिरा गांधी को कि ये चीज होना चाहिए। संसद भवन में, पार्लियामेंट में सब लोग ब्राह्मण लोगों को लेना चाहिए पार्लियामेंट में, जितना भी पार्लियामेंटेरियन होगा सब लोग हरे कृष्ण चैंटिंग करेगा, और हर एक व्यक्ति, हर एक पार्लियामेंटेरियन ब्राह्मण होगा, तब जाके देश का उन्नति होगा। ऐसे बहुत सारा चीज, 11 बहुत सारा पॉइंट्स लिखा था उनका जो लेटर में शिला इंदिरा गांधी को। तो जब मीटिंग हुआ था इंदिरा गांधी के साथ, तो उस टाइम पे इंदिरा गांधी वॉज वेरी टेंस्ड, क्योंकि उस टाइम पे बांग्लादेश का जो प्राइम मिनिस्टर है शेख मुजीबुर रहमान, उनका उनका हत्या कर दिया गया था। तो उसको लेके इंदिरा गांधी बहुत टेंस्ड था उस टाइम पे, और बहुत चिंता में था। तो इंदिरा गांधी पूछा शिला प्रभुपाद से कि आपका जो शिष्य लोग है, ये जो वेस्टर्नर्स है, क्या ये CIA एजेंट्स है? तो इससे उस टाइम पे सब लोग, इस्कॉन भक्त लोगों को CIA एजेंट्स सोचता था। तो शिला प्रभुपाद उनको पूरा समझाया कि ये लोग अगर CIA एजेंट होगा तब फिर वो लोग क्यों माछ मछली अंडा छोड़ के इतना भक्ति हरे कृष्ण महामंत्र क्यों जप करेगा, और इतना हम्बल लाइफ क्यों लीड करेगा? CIA एजेंट होगा तो वो लोग तो 5-स्टार होटल में ही रहेगा ना, कोई उन लोग को थोड़े ये जमीन में सोने के लिए उन लोग को जरूरत है। तो शिला प्रभुपाद पूरा एक्सप्लेन किया कि कैसे वो ये इस्कॉन सोसाइटी को एस्टेब्लिश किया, और फिर कैसे ये शिला प्रभुपाद के जो वेस्टर्न शिष्य लोग कैसे आगे आया, और वो लोग अपने लाइफ को डेडिकेट किया शिला प्रभुपाद के मिशन के लिए, शिला प्रभुपाद के
इंस्ट्रक्शन के लिए। तो उसके बाद इंदिरा गांधी खुश हुआ। तो इंदिरा गांधी को एक्चुअली उस टाइम पे बहुत सारा वेस्टर्न अमेरिकन डिसाइपल्स जो थे श्रीला प्रभुपाद के, उन लोग का वीसा एक्सटेंशन नहीं हो रहा था, लॉन्ग टर्म में वीसा नहीं मिल रहा था भारत सरकार की तरफ से। तो इंदिरा गांधी फिर वो अरेंजमेंट कर दिया कि लॉन्ग टर्म वीसा उन लोगों सबको मिल गया, लॉन्ग टर्म वीसा फिर जितना भी अमेरिकन डिसाइपल्स था उस टाइम पे। तो इस तरीके से ये मीटिंग रहा श्रीला प्रभुपाद के साथ इंदिरा गांधी का। तो श्रीला प्रभुपाद टारगेट करते थे जो समाज के जो बड़े व्यक्ति है, इंटेलिजेंट क्लास ऑफ पीपल, इफ दे बिकम कृष्ण कॉन्शियस तो दूसरा लोग उसको फॉलो करेगा। जत जत आचरिति श्रेष्ठा तत् तत् एवे तरो जना सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तत अनुवर्तते। जो भी जो लीडर लोग करता है वही फॉलोअर लोग फॉलो करता है। इसलिए श्रीला प्रभुपाद समाज के जो लीडर लोग थे उन लोगों को भक्ति का मार्ग पे लाना चाहता था। तो बंगाल का भी एक होम मिनिस्टर, उस टाइम पे तो सीपीएम गवर्नमेंट था बंगाल में और मायापुर का लैंड मिला था रिसेंटली श्रीला प्रभुपाद को। तो श्रीला प्रभुपाद मायापुर का लैंड जब मिला उसके बाद मायापुर में कंस्ट्रक्शन चालू किया। उस मायापुर तो पहले कुछ भी नहीं था, सिर्फ राइस फील्ड, एकदम पूरा धान का खेत था वहां पे, एक विलेज था, पूरा पूरी एक विलेज था। लेकिन वो एक आज को वैदिक सिटी हो गया है, जो लोग मायापुर में गया है वो लोग जानता है। तो उस टाइम पे जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया श्रीला प्रभुपाद लॉन्ग बिल्डिंग का, अभी भी वो लॉन्ग बिल्डिंग है मायापुर में, चक्र भवन, जो लॉन्ग बिल्डिंग्स का जब कंस्ट्रक्शन चालू किया तो भक्त लोग कंस्ट्रक्शन करता था, भक्त लोग भी सीमेंट बालू लेके सब कंस्ट्रक्शन में लग गया था। तो एक बार एक होम मिनिस्टर जब विजिट किया, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का होम मिनिस्टर, तब तो सीपीएम गवर्नमेंट था, तो वो मायापुर को देखने आया, मायापुर का लैंड में क्या हो रहा है वो देखने आया। तो वो होम मिनिस्टर जब देखा कि अरे बाप रे, कुछ ही महीनों में इतना बड़ा लॉन्ग बिल्डिंग बन गया है, तो चौंक गया पूरा एकदम। कुछ ही महीनों में, एक्चुअली बंगाल में कोई भी कंस्ट्रक्शन होता है टाइम लगता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। अब देखिए मेट्रो रेल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, 20-25 साल से मेट्रो रेल कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो होम मिनिस्टर जब देखा अरे 2-3 महीनों में इतना लंबा बिल्डिंग बन गया है, तो पूरा एकदम चौंक गया होम मिनिस्टर। उनका नाम था तरुण कांति घोष, उनका नाम था। तो उनका वो जो होम मिनिस्टर था उनका जो ग्रैंडफादर वो भक्त था भगवान का। तो श्रीला प्रभुपाद वो भक्त का फैमिली से आ रहा था वो होम मिनिस्टर। तो वो तरुण कांति घोष वो श्रीला प्रभुपाद का, श्रीला प्रभुपाद को दंडवत करने के लिए, उनका पैर पकड़ने के लिए पूरा एकदम वो सोच लिया। और श्रीला प्रभुपाद के पास जाके उनका पैर पकड़ लिया होम मिनिस्टर, सोचिए। तो श्रीला प्रभुपाद का शिष्य लोग उनको मना करने वाला था, लेकिन श्रीला प्रभुपाद जनरली भगवान का, भक्तों का जो गुरु है उनका डायरेक्टली कोई पैर पकड़ना नहीं चाहिए, सिर्फ अपना शिष्य लोग उनका पैर पकड़ सकता है। लेकिन ये होम मिनिस्टर शिष्य नहीं था उनका, लेकिन पैर पकड़ लिया। श्रीला प्रभुपाद बोला नो प्रॉब्लम, होम मिनिस्टर को अलाउ किया, ठीक है, श्रीला प्रभुपाद का कृपा लिया ये होम मिनिस्टर। तो श्रीला प्रभुपाद एक बार क्या हुआ था कि इस्कॉन का नाम पे एक जन व्यक्ति कुछ फ्रॉड कर रहा था। तो एक तो चोर इस्कॉन का स्लिप बना लिया और स्टैंप ये सब बना लिया और इस्कॉन का नाम पे फंड कलेक्शन चालू कर दिया। तो राजस्थान में चालू किया फंड कलेक्शन, इस्कॉन का लेटर पैड ये सब बना लिया और घर घर में जाता था, बोलता था कि इस्कॉन का मंदिर बनेगा,
हाँ, और आप लोग चंदा दीजिए, आप लोग पैसा दीजिए, इस्कॉन का मंदिर बनेगा। श्रील प्रभुपाद के टाइम बहुत फेमस हो चुका था इस्कॉन। इस्कॉन वॉज वेरी वेरी अलग ही माहौल था उस टाइम पे, श्रील प्रभुपाद के टाइम। पूरा देश विदेश में कृष्णाज नेम वॉज इन एवरी होम, एक्चुअली प्रैक्टिकली स्पीकिंग। तो इस्कॉन का इतना फेम बढ़ गया था कि एक जन ऐसा सोच लिया कि इस्कॉन का नाम पे कुछ फ्रॉड करेंगे। स्लिप बना लिया इस्कॉन का नाम पे, एग्जैक्टली एकदम पूरा कॉपी करके स्टैम्प बना लिया, फिर फंड कलेक्शन चालू किया। राजस्थान में चालू किया वो पहले, फिर वो जाके साउथ इंडिया में शुरू किया ये चीज। तो भक्तों के पास खबर आया कि कोई व्यक्ति ऐसे फंड कलेक्शन कर रहा है, इस्कॉन का नाम पे फंड कलेक्शन कर रहा है। और उनका वो अपने आप को नाम दे दिया था अच्युतानंद, अच्युतानंद नाम दे दिया था। तो इस्कॉन का एक श्रील प्रभुपाद का शिष्य था अच्युतानंद, जो बहुत क्लोज था श्रील प्रभुपाद का, लेकिन ये अपने आप को नाम दिए थे अच्युतानंद। तो भक्त लोग सोचे ये कौन है अच्युतानंद 2, ये अच्युतानंद 2 कौन है, ये देखना पड़ेगा। तो इसको बुला के लाया, इसको पकड़ा और फिर मायापुर लाया। मायापुर में श्रील प्रभुपाद था उस टाइम पे, शिला प्रभुपाद के पास लाया। तो शिला प्रभुपाद पहले ही पुलिस बुला के रखा था, इसको पुलिस का हाथ में दे देंगे। तो पुलिस भी है, शिला प्रभुपाद भी है उधर। तो उसको जब लाया अच्युतानंद 2 को, तो ये क्या किया, ये तो चोर है, इसको उनका नाम पे चोरी कर रहा है। और फिर ये जब शिला प्रभुपाद के पास उसको लाया गया, तो वो तब श्रील प्रभुपाद को बोला कि मैं आज से कोई गलती नहीं करूंगा, आप मेरे को क्षमा कर दीजिए, हाँ मैं आपके चरणों में सरेंडर कर रहा हूँ। तो श्रील प्रभुपाद पुलिस वालों को बोला कि ठीक है, अभी मत पकड़ो इसको, ये सरेंडर कर रहा है, हाँ और ये बोल रहा है कि गलती नहीं करेगा, तो एक तो मौका दे के देखते हैं इसको। लेकिन उसको बोला कि स्ट्रिक्टली कि फिर से तुम अगर गड़बड़ किया तो फिर लेकिन तुमको छोड़ेंगे नहीं, तुम अच्छे से भक्तों के साथ रहो, हाँ अच्छे से भक्ति करो, लेकिन फिर से चोरी किया तो फिर पुलिस के हाथ में देना ही पड़ेगा। तो श्रील प्रभुपाद बोला कि ये गुरु का दायित्व तो होता है कि कोई सरेंडर करता है तो उसको मौका देना चाहिए। तो फिर ये क्या हुआ, ये फिर मायापुर में रहने लगा, ये जो पहले चोर था मायापुर में रहने लगा। तो फिर सडनली एक दिन सुबह में मंगल आरती के टाइम पे, मंगल आरती के टाइम पे सुबह सुबह एक जन एक्चुअली हिज होलीनेस जयप्रदा गोस्वामी गुरु महाराज, तो जयप्रदा गोस्वामी गुरु महाराज वो देखा कि ये जो व्यक्ति, ये जो चोर है, ये अपना हाथ में बैग लेके कुछ लेके जा रहा है, पीछे से भाग रहा है बैग लेके, हाथ में बैग लेके। तो पकड़ा जाके, जयप्रदा स्वामी गुरु महाराज जाके पकड़ा उसको कि कहाँ जा रहा है बैग लेके हाथ में। तब बैग तो खोला तो देखा कि कैश है, पूरा एकदम भरा हुआ कैश है। तो फिर प्रभुपाद के पास लेके आया, प्रभुपाद को पूछा कि कहाँ से तुमको मिला इतना कैश, तो बोला कि मंदिर का हुंडी से मिला है कैश। कब रात में चुरा लिया, मंदिर का हुंडी से कैश निकाल लिया कब रात में। तो श्रील प्रभुपाद बोला कि नहीं, तुम तो चोरी नहीं छोड़ रहा है अपना, तुमको हम मौका दिया, अभी हम कुछ नहीं कर सकते, तुमको पनिशमेंट देना जरूरी है तुम्हारा रेक्टिफिकेशन के लिए। तो पुलिस के हाथ में सौंप दिया श्री प्रभुपाद। श्री प्रभुपाद वॉज वेरी पर्टिकुलर दैट ही गेव चांस टू डिवोटीज, बट ही डिडंट अलाउ एनी चीटिंग। दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग एस्पेक्ट ऑफ श्री प्रभुपाद। तो एक बार मायापुर में ही श्री प्रभुपाद जब जब एक रूम पे बैठा हुआ था, तब सडनली
दूर से कुत्ता भौंकने का आवाज आ रहा था, कुत्ता भौंकने का आवाज आ रहा था दूर से। तो माया श्रील प्रभुपाद बोला कि कहां पर कुत्ता भौंक रहा है, खिड़की से देखा, खिड़की से देखा तो देख रहा है कि कुछ छोटा छोटा बालक, दो तीन जन बालक कुत्ता के साथ लड़ाई कर रहा है। क्यों, किस लिए लड़ाई कर रहा है? क्योंकि वहां पे बहुत सारा भक्त लोग जो प्रसाद लिया था उसका प्लेट वहां पे पड़ा हुआ है, तो कुत्ता भी प्लेट से वो जितना जो बाकी प्रसाद जहाँ पे था उस प्लेट में लगा हुआ था जूठा प्रसाद, कुत्ता भी खाना चाह रहा है, ये बालक भी खाना चाह रहा है, मनुष्य भी। तो मनुष्य और कुत्ते में फाइट चल रहा है किस चीज के लिए, खाने को लेकर। तो ये भी भूखा है, वो भी भूखा है। श्रील प्रभुपाद जब देखा तो बहुत दुखित हो गया, बहुत दुखित हो गया। फिर हिज होलीनेस जयपतगढ़ स्वामी गुरु महाराज को इंस्ट्रक्शन दिया श्रील प्रभुपाद कि तुम फूड फॉर लाइफ चालू करो, मंदिर का 10 माइल रेडियस में कोई भूखा नहीं जाना चाहिए। आज इतना परिस्थिति हो गया, मनुष्य और कुत्ता में फाइट चल रहा है खाना लेके, जहां पर भी इस्कॉन मंदिर है उसका 10 माइल रेडियस में कोई भूखा नहीं जाना चाहिए। तो ये फूड फॉर लाइफ श्रील प्रभुपाद उसी टाइम से चालू किया। अभी भी मायापुर में फ्री में प्रसाद डिलीवरी, फ्री में प्रसाद वितरण होता है। अन्नदान कॉम्प्लेक्स में हम लोग जब मायापुर गए थे कुछ दिन पहले, अन्नदान कॉम्प्लेक्स से फ्री में प्रसाद दिया जा रहा था। अभी भी वही है, फूड फॉर लाइफ, नो वन शुड गो हंग्री, नो वन शुड रिमेन हंग्री इन द 10 माइल रेडियस ऑफ एनी इस्कॉन टेम्पल। वहीं से श्रील प्रभुपाद फूड फॉर लाइफ चालू किया। तो श्रील प्रभुपाद ये मायापुर में ये TOVP टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटेरियम बनाने के लिए बहुत ही एम्फेटिक था। श्रील प्रभुपाद बोलते थे कि भक्ति विनोद ठाकुर चैतन्य महाप्रभु का बर्थ प्लेस पे मंदिर बनाया, तो ये भक्ति विनोद ठाकुर का ऑफरिंग था चैतन्य महाप्रभु के प्रति। श्रील प्रभुपाद बोलता था कि उनका जो ऑफरिंग है वो है ये टेम्पल ऑफ वैदिक प्लैनेटेरियम, ये TOVP वो भगवान को ऑफर करना चाहते थे। श्रील प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु को ऑफर करना चाहते थे। तो पूरा जो डिटेल्स है, पूरा जो उनका डिजाइन कैसा होगा TOVP का, सब कुछ डिटेल्स और फाउंडेशन भी श्रील प्रभुपाद ने उसका नींव रख के गया। तो श्रील प्रभुपाद 3 जगह में भारत में, एक्चुअली श्रील प्रभुपाद वेस्टर्न वर्ल्ड में प्रचार किया, जब उनका गुरु महाराज का इंस्ट्रक्शन वही था कि वेस्टर्न वर्ल्ड में प्रचार करने के लिए। तो लेकिन श्रील प्रभुपाद अपने वेस्टर्न डिसाइपल्स को भगवान का धाम देना चाहता था, इसलिए वृंदावन मायापुर, तो इस जगह पे भगवान का बहुत अच्छा अच्छा सुंदर मंदिर बनाने का नींव रखा था श्रील प्रभुपाद। वृंदावन में कृष्ण बलराम मंदिर इतना मैजेस्टिक मंदिर है, तो वो कंस्ट्रक्शन करवाया श्रील प्रभुपाद, और मायापुर में चंद्रोदय मंदिर का फाउंडेशन रखा। श्रील प्रभुपाद चाहता था कि उनका जो वेस्टर्न डिसाइपल्स है वो भगवान का धाम पे आए, वृंदावन मायापुर पूरी धाम पे आए और भगवान का कृपा ले। तो श्रील प्रभुपाद बोलता था कि वृंदावन इज माई होम, वृंदावन मेरा घर है, बॉम्बे इज माई ऑफिस एंड मायापुर इज माई प्लेस ऑफ वर्शिप। वृंदावन इज माई होम, बॉम्बे इज माई ऑफिस एंड मायापुर इज माई प्लेस ऑफ वर्शिप। मेरा पूजा स्थल है मायापुर, मेरा घर है वृंदावन और मेरा ऑफिस है बॉम्बे। श्रील प्रभुपाद ये 3 प्रोजेक्ट बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण था श्रील प्रभुपाद के, बहुत बहुत क्लोज था उनके हार्ट का श्रील प्रभुपाद का। वृंदावन में भव्य मंदिर बनाया, जुहू में, बॉम्बे में, हरे कृष्णा लैंड में इतना बड़ा मंदिर बनाया, राधा राधा रास बिहारी मंदिर। और श्रील प्रभुपाद चाहते थे TOVP बने मायापुर में, और जो आज को बन रहा है। तो श्रील प्रभुपाद ऑल्सो टोल्ड 3 थिंग्स, दैट बुक्स आर द बेसिस, प्योर
प्यूरिटी इज द फोर्स एंड प्रीचिंग इज द एसेंस. बुक्स आर द बेसिस, प्यूरिटी इज द फोर्स, प्रीचिंग इज द एसेंस. सो श्री प्रभुपाद बुक्स पे बहुत फोकस किया. श्री प्रभुपाद चाहते थे कि हर कोई उनका बुक्स पढ़े और उसका लाभ उठाए. श्री प्रभुपाद खुद भी उनका बुक्स पढ़ते थे. तो ये दिखाने के लिए श्री प्रभुपाद बोलते थे, दीज बुक्स आई हैव नॉट रिटन, कृष्णा हैज डिक्टेटेड ऑल दिस थिंग्स एंड आई हैव ओनली रोट डाउन द डिक्टेशन. श्री प्रभुपाद खुद भी अपना बुक्स पढ़ते थे. बुक्स आर द बेसिस. भगवान का कृष्ण भावनामृत आंदोलन क्या है उसको समझने के लिए श्री प्रभुपाद का बुक्स पढ़ना बहुत जरूरी है. तो श्री प्रभुपाद वॉज अमेजिंग पर्सनालिटी. एक बार बैंगलोर के एक पंडित बैंगलोर से, श्री प्रभुपाद तब बॉम्बे में था, 1977 लास्ट डेज, बहुत ही उनका तबीयत बहुत खराब हो गया था श्री प्रभुपाद का. तो श्री प्रभुपाद जब बॉम्बे में थे तो बॉम्बे में फ्लाइट पकड़ के आ गया एक बैंगलोर से एक प्रीस्ट, एक पंडित. इस्कॉन का भक्त नहीं थे वो, दूसरा मंदिर के थे वो. वॉज अ प्रीस्ट, ब्राह्मण प्रीस्ट. उनका नाम कुछ था संपत समथिंग, इट वॉज, भूल गया मैं. तो ये प्रीस्ट जब मीटिंग किया बॉम्बे में श्री प्रभुपाद से मिला. श्री प्रभुपाद की तबीयत बहुत खराब था, कोई उसके साथ मीटिंग नहीं कर पा रहा था उस टाइम पे. लेकिन श्री प्रभुपाद वांटेड टू मीट दिस प्रीस्ट बिकॉज ही केम फ्रॉम बैंगलोर, इन इतना कष्ट करके आया बैंगलोर से और प्रभुपाद से मिलना चाहता था. तो श्री प्रभुपाद बोला कि प्लीज अलाउ हिम टू कम टू मीट मी. तो वो जो ब्राह्मण है, वो जो पंडित है, श्री प्रभुपाद को बोला कि आपका विग्रह पूजा किया जा रहा है वृंदावन में और बाहर से लोग आ रहा है और आपके विग्रह पर फूल दे रहा है, फूल चढ़ा रहा है और प्रणाम कर रहा है. तो आप आचार्य हैं. जब तक आचार्य जिंदा रहता है तब तक उनका मूर्ति बना के, कोई उनका मूर्ति में अगर फूल अर्पण करता है तो वो करना नहीं चाहिए. क्यों, क्या होता है, फिर जो फूल अर्पण कर रहा है उसका सब पाप उस मूर्ति के थ्रू उन आचार्यों के पास आ जाता है. जो भी फूल अर्पण कर रहा है, जो भी पुष्प अर्पण कर रहा है, उसका पाप उस मूर्ति के थ्रू उस आचार्य पे आ जाता है, उसको पाप को भोगना पड़ता है. तो इसीलिए आपका इतना तबीयत खराब है, आपका मूर्ति बना हुआ है वृंदावन में और बाहर से हर जगह से लोग आके उस मूर्ति पे फूल अर्पण कर रहे हैं. तो सबका कर्मा आपको लेना पड़ रहा है, सबका कर्म का फल आपको भोगना पड़ रहा है, इसलिए आप इतना आपका तबीयत खराब हो गया है. तो श्रील प्रभुपाद वो ऐसे बोल रहा था कि श्रील प्रभुपाद को पता नहीं है कि उनका मूर्ति वृंदावन में इंस्टॉल हुआ है. तो श्रील प्रभुपाद बोला कि ऐसा मत सोचिए कि मेरे को ये पता नहीं है, ये मेरे ही इंस्ट्रक्शन में हुआ है. हम सबका सफरिंग लेने के लिए ही आए हैं इस मेटेरियल वर्ल्ड में और सबको उद्धार करने के लिए ही आए हैं. सबको कष्ट से मुक्ति देके हम भगवत धाम को लेके जाने के लिए ही आए हैं. तो वो जो ब्राह्मण प्रीस्ट था, पंडित था, पूरा चौंक गया. वो सोचा था कि वो नया इन्फॉर्मेशन देगा श्रील प्रभुपाद को. तो श्रील प्रभुपाद ऑलरेडी वो जानता था और श्रील प्रभुपाद सबका कष्ट को लेने के लिए ही आया है. श्रील प्रभुपाद टोल्ड, आई केम टू टेक ऑल द सफरिंग्स फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा एंड फॉर टेकिंग द लिविंग एंटिटीज बैक टू कृष्णा. So that is the greatness of Srila Prabhupada.
देर आर मेनी मोर पास टाइम्स, आई थिंक कोई अंत नहीं है श्रील प्रभुपाद का पास टाइम्स का, कोई अंत नहीं है। तो एक लास्ट एक पास टाइम बोल के मैं खत्म करूंगा। तो एक बार श्रील प्रभुपाद अमेरिका में था, अमेरिका में एक कार में जा रहा था श्रील प्रभुपाद। तो प्रभुपाद सामने बैठा था, पीछे श्रील प्रभुपाद के शिष्य लोग बैठे थे। तो एक माताजी बैठा था पीछे, प्रभुपाद के डिसाइपल। तो उस माताजी का जो मतलब गोद में एक बच्चा, उनका ही बच्चा, छोटा बच्चा था माताजी का गोद में। श्रील प्रभुपाद जब जब वो टैक्सी से उतरा और फिर पीछे से शिष्य लोग भी उतरा, तो माताजी भी उतरा, उनका गोद में बच्चा था उस टाइम पे। तो श्रील प्रभुपाद उस अपना शिष्य उस माताजी को पूछा, दिस इज द बर्डन ऑफ अफेक्शन, ये जो बच्चा लेके हर जगह जाना पड़ रहा है, दिस इज द बर्डन ऑफ अफेक्शन, बर्डन ऑफ लव, इजंट इट। तो उसके बाद माताजी बोला, यस प्रभुपाद। सो उसके बाद प्रभुपाद एक प्रश्न पूछा उस माताजी से, वो शिष्य से, शिष्या से एक प्रश्न पूछा श्रील प्रभुपाद कि देयर आर टू वेज, वन इज कैट वे एंड अनदर इज मंकी वे ऑफ टेकिंग चिल्ड्रन। एक बिल्ली अपना बच्चा को एक तरीके से लेके जाता है और एक मंकी, एक क्या बोलते हैं, बंदर, बंदर उसका बच्चा को एक तरीके से लेके जाता है। तो कौन सा सही है, ये प्रश्न पूछा। तो बिल्ली क्या करता है, बिल्ली अपना बच्चा को मुंह में लेके चलता है और जो बंदर है उसका बच्चा बंदर का पीठ में चढ़ जाता है और बंदर फिर एक एक पेड़ से दूसरा पेड़ पे जाता है। तो कौन सा सही है? तो वो माताजी आंसर दिया कि द कैट वे इज द करेक्ट वे। श्रील प्रभुपाद टोल्ड दैट यस, तो बिल्ली अपना बच्चा को मुंह में लेके जाता है तो, और बंदर उसके बच्चा को पीठ में लेके चलता है एक पेड़ से दूसरा पेड़ में, इसका मतलब क्या है? श्रील प्रभुपाद समझाया, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द योगीज एंड द डिवोटीज। योगी लोग, योगी लोग अपना योग का पावर से वो लोग सोचता है कि भगवान बन जाएगा और भगवान के पीठ में चढ़ने का कोशिश करता है। योगी लोग कुछ पावर दिखाता है और सोचता है और बोलता है कि हम भगवान बन गए हैं। कोई योग सिद्धि का माध्यम से कोई सोने का अंडा प्रोड्यूस कर देता है, कोई राख से कुछ अद्भुत चीज प्रोड्यूस कर देता है, योग सिद्धि के माध्यम से ये प्राप्त हो जाता है ये पावर, और वो लोग अपने आपको सोचता है कि भगवान बन गया है, क्लेम करता है कि हम भगवान हैं, सब मेरे को पूजा करो, ऐसा बोलता है। तो दे आर द योगीज आर ट्राइंग टू सिट ऑन द बैक ऑफ गॉड एंड दे आर ट्राइंग टू क्लेम देमसेल्व्स एज गॉड। बट यहाँ पे जो बिल्ली का बच्चा है वो अपना माँ का ऊपर पूरा डिपेंडेंट है। बट सिमिलरली द डिवोटी इज अ कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन कृष्णा, दे आर डिपेंडेंट ऑन द मर्सी ऑफ कृष्णा, दे आर सरेंडर टू कृष्णा। बिल्ली का बच्चा को जब बिल्ली अपना मुंह से लेके जा रहा है एक जगह से दूसरे जगह, तो उस बच्चा को कुछ सोचना नहीं पड़ रहा है, वो सिंपली अपने माँ के प्रति सरेंडर है। सिमिलरली द डिवोटी इज अ सरेंडर टू कृष्णा, दे आर डिपेंडेंट ऑन कृष्णा, दे हैव टेकन शेल्टर ऑफ कृष्णा। बट द योगीज दे हैव नॉट टेकन शेल्टर ऑफ कृष्णा,
they are trying to become Krishna by their yoga siddhis. So Srila Prabhupada gave this analogy, the difference between the yogis and the devotees. So Krishna, wherever Srila Prabhupada went, he emphasized the teachings of Krishna consciousness. He tried to make the whole atmosphere, he made the whole atmosphere Krishna conscious. From everything, anything he saw, he connected with it with Krishna. And that is the symptom of a pure devotee of Krishna. He sees Krishna everywhere. जो भी चीज देखता है उसको भगवान से कनेक्ट करने का कनेक्ट कर देता है भगवान के शुद्ध भक्त. जो उत्तम अधिकारी भक्त है वो हर जगह पे भगवान को देखता है. He connects everything with Krishna. He sees Krishna everywhere. That is Mahabhagavat devotee. His divine grace. Abhay Charanarvinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada. Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai.